पल्स नहीं आ रही है यार, पल्स भी सर मेरा नाम मोहम्मद असलम जी। सर बताइए जो बच्चा इसके बारे में बताए। सर मैं नदी पे बैठा हुआ था तो ये बच्चा उधर मेरे पास काफ़ी देर तक बैठा रहा और मैं उठ के वहाँ से वापस यहाँ आने लगा तो इसने दरिया में छलांग लगा दी। दरिया में छलांग लगाने के बाद मैंने उधर ट्रैक्टर वाले थे, मैं तो नदी में जा नहीं सकता क्योंकि मैं पल्स का मरीज़ हूँ, ऑपरेशन कराया हुआ है, आठ दिन हो गए मैंने ऑपरेशन कराया हुआ, तो मैं नदी में नहीं जा सकता। और मैंने उन ट्रैक्टर वालों को हल्ला किया, वो आए तो उन्होंने नदी से बाहर निकाला, फिर पुलिस स्टेशन में अतला दी तो पुलिस वाले गए ASI दो उन्होंने उठाया और साथ में ये डूंगस की पल्ली तरफ जो शमशान घाट नहीं है उसकी पल्ली तरफ जहाँ पिछले साल में 3 बच्चे पानी में डूबे थे वहीं की जगह। बच्चा बोल रहे हैं कि लोरन का है, लेकिन इधर उसका भाई हमारे पास उधर पहुंचा, वो बोलने लगा कि मैं सुबह इसको मदरसे में छोड़ के मैं आया, ऑटो चला रहा है वो छोटा 4-3-व्हीलर, बोल रहा मैं इसको मदरसे में छोड़ के तो वहाँ आया। कौन से मदरसे में? इधर काजीवाड़ा में कोई मदरसा है। हाँ, उसका 12 से 15 साल के बीच में ही मोहम्मद इशफाक सना मोहम्मद फारूक ये काजी मोड़ा का रहने वाला है। ये कोई ड्राउनिंग केस है, अभी पुलिस लेके आई है तो इसके ये इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो हम कर रहे हैं, एक्सरे वगैरह, बच्चे ने थोड़ा स्प्रेड किया हुआ है, फिलहाल तो बच्चा स्टेबल लग रहा है, अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है 24 आवर तक, कभी कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन बच्चा ऐसे तो देखने में स्टेबल लग रहा है, एक्सरे वगैरह कर रहे हैं, ECG अल्ट्रासाउंड वगैरह उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। चोट तो नहीं आई है? नहीं, चोट कोई नहीं, इंजरी कोई नहीं है बच्चे को, लेकिन ये ड्रोनिंग करके आया है, लंग्स में पानी गया है, तो उसके लिए अभी चल रही है इन्वेस्टिगेशन। चल रही है